जनपद में गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकरण के निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए मंगलवार को जिलाधिकारी कोर्ट में एक निर्दल प्रत्याशी ने नामांकन किया, जिसके संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जिले में 15 मार्च को नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है और 21 व 22 मार्च को नामांकन हुआ, जिसमें 3 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है, जिसमें सोमवार को भाजपा से सीपी चंद, सपा से रजनीश यादव और मंगलवार को निर्दल प्रत्याशी अनिल यादव ने नामांकन किया। उन्होंने बताया कि सभी प्रत्याशियों को सूचित कर दिया गया है कि 23 मार्च को 11 बजे से नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी, जिसका 9 अप्रैल को मतदान और 12 अप्रैल को मतगणना होगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा, नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह, डिप्टी डीओ और गोरखपुर महाराजगंज स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन के लिए एआरओ हूँ। हमारे जनपद में 15 मार्च को नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, 21 और 22 मार्च को हमारे यहाँ नामांकन हुए। कुल 3 महानुभावों के द्वारा, प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन किया गया है, श्री चामुंडेश्वरी प्रताप चंद, श्री रजनीश यादव और श्री अनिल यादव। सभी को यह सूचित कर दिया गया है कि कल अर्थात 23 मार्च 2022 को सुबह 11 बजे संवीक्षा होगी, स्क्रूटनी होगी, वे लोग उपस्थित रहें और स्क्रूटनी का जो भी रिजल्ट होगा उनको बता दिया जाएगा। सर, रिपोर्ट पड़ेगा अभी 25 मार्च को नाम वापसी है और यदि निर्वाचन हुआ तो 9 अप्रैल को मतदान और 12 अप्रैल को मतगणना होगी।